बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइखा किचन एंड व्लॉग्स। बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी इसलिए नहीं बना पाई। यहाँ पर देखिए आप लोग, लूसी को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि कूलर के सामने सो गई है और हवा ले रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा घर में इसी को ही गर्मी लगती है। जब भी मतलब उसको गर्मी लगती है ना तो कूलर के सामने आकर बैठ जाती है। और माशाल्लाह तबारक रहमान, अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लूसी को। अभी उसके बाद मुझे एक कमेंट आया था कि आप जो मतलब जो भजिया हम बनाते हैं ना घर पर, उसका बैटर किस तरीके से बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ये मैंने चने का आटा ले ली हूँ यहाँ पर, उसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन और इसको है ना हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे तो है ना इसका फ्लेवर उभर के आएगा। उसके बाद थोड़ा सा सोडा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना फिर ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं भजिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सोडा, मीठा सोडा होता है ना वो डाल दिया। उसके बाद कलर के लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी यहाँ पर। हल्दी इसलिए डालते हैं क्योंकि थोड़ा कलर आता है येलो कलर। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर दें। उसके बाद इसमें नमक डालें अपने हिसाब से, जितना आपका बैटर बनाना है आपको उस हिसाब से है ना नमक डाल दें। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर है ना इसको अच्छे से मिक्स करें। एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि अगर पूरा एक साथ हम डाल देंगे तो है ना ये बैटर पतला हो जाएगा। इसीलिए है ना थोड़ा थोड़ा डालकर आप इसको अच्छे से मिक्स करें। बहुत अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि जितना हम अच्छे से मिक्स करेंगे ना उतने हमें हमारे भजिए मज़ेदार बनेंगे। यहाँ मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कॉमेंट में कॉमेंट कर दें ताकि हौसला अफज़ाई ज़रूर हो मेरी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसको ढककर रख देती हूँ। प्लेट छोटी पड़ गई, दूसरी ले लेती हूँ अभी, और ये सब चीज़ें उठा दूँगी अभी। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू वाले भजिए। मैंने आलू को है ना गोल गोल इस तरीके से काट ली हूँ। अभी है ना इसको बनाते हैं डिप करके बैटर में। माशाल्लाह तबारक रहमान, बहुत अच्छे से बन जाते हैं। अगर आप इसी बैटर में है ना आलू उबाल कर, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी ना बॉल्स बनाकर, वो डिप करके भी इसको बना सकते हैं। आप बैगन के भी बना सकते हैं, गोभी के बना सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ के भजिए बना सकते हैं। माशाल्लाह तबारक रहमान, यहाँ पर बनके तैयार हो रहे हैं अभी ये। देख सकते हैं आप कितने अच्छे बने हैं ना आलू वाले भजिए। माशाल्लाह, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर कर दें। मिलते हैं इसी तरह दूसरे वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।